flamingo book poem name my mother at 66 first chapter kamla das kamla das was born on 1934 she was born in malabar karla she is discovering and he was indian famous and poets her works are known for their originality versatility and their indignation and favor of soul Kamala das has published many novels and short story writer in English and Malayalam under the name of Madhyavati and some of the Madhyavikutti make of work in India include the novel Alphabet in Lust nineteen seventy seven, and collect for short story Padmavati the Halport and other story 1992 in addition to first book of poet एंड पोएट्री टू गेट ए सेंसिटिवी राइटर हु कप कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सवर्टलिटी एंड हुमन रि रिलेशनशिप एंड लेबरिक्स इन आइडियोम्स माई मदर एट सिक्सटी सिक्स इज एन एग्जाम्पल और इसमें कमला दास स्टार्टिंग में कहती हैं कि वो अपने माता पिता के साथ घर से कोचिन के हवाई अड्डे की, की तरफ गाड़ी चलाती जा रही हैं उसकी माँ उनके साथ बैठी हुई हैं उस और वो अपनी माँ को देखते हैं तो उन्हें प्रतीत होता है कि उनकी माँ छियासठ वर्ष की हो गई हैं और उसका उनका जो मुंह है वो बहुत ज़्यादा खुला पड़ा है और उनका जो चेहरा है एक पीला राख जैसा विवर्ण धूसर लगता है वह एक लाश के समान निर्जीव लगती हैं उसकी माँ का निर्जीव विवर्ण चेहरा उसके दिल में बहुत ज़्यादा दुख पहुँचाती है और अपनी माँ को देख उन्हें इतना ज़्यादा दुख होता है कि उन्हें लगता है कि मैं अपनी माँ से इस इसके बाद मैं कभी ना मिल पाऊँ तभी वो अपने दुख को अपने अंदर दबा कर बाहर की नज़ारे को और संसार की जीवन की गतिविधियों को देखते हैं तो वो देखते हैं कि जो हमारे संसार है उसकी गतिविधियों से मतलब मेरी माँ का जीवन अलग है और पेड़ पे, उनके जो लगता है कि जो पेड़ पौधे जिस तरह से जीवित अपने रहते हैं उस तरह से मेरी माँ का हरी हरा भरा जीवन बहुत ज़्यादा कम पड़ते जा रहा है फिर वो देखते हैं कि जो आ, पेड़ है जो मतलब गाड़ी चला रही हैं तो उन्हें लग रहा है कि जो पेड़ है वो मेरे मैं चला रही हूँ गाड़ी तो पीछे चल पीछे जा रहा है पेड़ तो उन्हें लगता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है मैं आगे की ओर जा रही हूँ इसीलिए मुझे लग रहा है ऐसा जब वो हवाई अड्डे पर होती हैं तो उन्हें सुरक्षा जाँच से गुजरना पड़ता है कुछ गज दूर खड़ी होकर वो अपनी बूढ़ी माँ को फिर से देखती हैं और अपनी माँ को देख कर उनको फिर वही फील होने लगता है जो उन्हें एक गाड़ी में बैठ हो रहा था और तभी वो अपने मन को अंदर दबाकर अपने चेहरे पर एक अलग ही खुशी लाते हैं लेकिन उन्हें एक चीज प्रतीत होता है कि जिस तरह से एक शरद ऋतु में विवर्ण चमक चंद्रमा दिखाई अपनी शक्ति को हारता हुआ दिखाई देता है जैसे दिखाई देता है उन्हें अपनी माँ की माँ को देखकर दिखाई देता है और उन्हें उनको अपने बचपन की पुरानी जानी पहचानी चीज़ें याद आने लगती है और वो अपने आप को फिर संभाल कर अपने मुँह मुँह पर यानी चेहरे पर मुस्कुराहट लाती हैं और वो बोलती हैं कि मैं अपनी माँ को ऐसे देख कर मुझे जब मैं ही ऐसा करूँगी तो मेरी माँ तो और दुखी हो जाएंगी तभी वो अपने आप को संभालती हैं और वो अपनी माँ को बोलती हैं कि अलविदा कहते हैं और समय पर अपनी मतलब अपने अलग अलग कामों को करने को इशारे करती हैं और वो बोलती हैं कि मैं अपनी माँ को यानी अम्मा को फिर से मिलने की कामना करूँगी